ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस इसमें गाइस क्या है कि जो भी मैं बैकग्राउंड पेज यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाली जगह डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइस जो फोटो जो हमारी है जो एडिट करने वाले गाइस काफी ऑसम एंड क्रिएटिव होने वाली है। एंड गाइस सब कुछ गाइस आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। एंड गाइस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड अगर गाइस आप लोग ऐसी फोटो का एडिट करते हो तो गाइस आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना। गाइस मैं देखना चाहता हूं कि यार आप लोग कैसी फोटो एडिट कर रहे हो, तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस हम सबसे पहले करेंगे क्या गाइस, जो हमारा मॉडल होगा गाइस उसका हम पहले बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। एंड गाइस उसको इरेज करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ड्रॉ टूल का। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस फोटो का आपको करना है गाइस यहाँ पे आपको अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस उसके बाद आपको जाना इरेजर में। इरेजर में जाने के बाद गाइस जो हार्डनेस होगी इरेजर की इसको रखना है आपको 90 तक। रखने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सेट कर देना है। एंड गाइस आप साइज चाहो तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। इसको अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग रखने के बाद आपकी फोटो को जूम करना है, फटाफट इरेज कर लेना है। तो गाइस बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद आप सबको इस वाले बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। देन गाइस आपको जाना ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सबको यहाँ से मॉडल का पीएनजी एंड जो हैंड है दोनों पीएनजी आपको ले लेना है, ठीक है। आपको सब कुछ सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बाद में डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद। सो पहले क्या करेंगे हम इस हैंड वाले पीएनजी को हम यहाँ पे नीचे रख लेते हैं, ठीक है। इसको मतलब कट कर लेते हैं, अभी यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो अभी हम इसको यहाँ पे कुछ मॉडल को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो मॉडल को आपको गाइस कुछ शेप्स ऐसे यहाँ पे ऐड करना है। एंड मॉडल को यहाँ पे ऐड करने के बाद गाइस आपसे कोई मतलब कि जो हाइट होगी गाइस आपके मॉडल की वो गाइस आप कुछ इतना रख लेना, ठीक है, बैकग्राउंड के हिसाब से आप अपने। एंड उसके बाद यहाँ पे जब मॉडल को आप लगा दोगे तो फिर जाना गाइस आपको यहाँ पे ऐड फोटो में। गाइस आपको डन नहीं करना है, ठीक है, जब तक मैं ना बोलूँ अभी डन नहीं करना, आप वीडियो को ध्यान से देखना। फिर उसके बाद गाइस ऐड फोटो में जाकर आपको जो हैंड का पीएनजी था गाइस आपको सिंपली उसको लेना है। एंड यहाँ पे आपको उसको फुल स्क्रीन कर देना है, ईजिली आपके गाइस एकदम बैकग्राउंड में एकदम ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है। एंड इतना कर देने के बाद गाइस आपसे अभी भी यहाँ पे डन नहीं करना है, ठीक है। सो उसके बाद आपसे दोबारा ऐड फोटो में जाना है यहीं से। एंड गाइस जो कैमरे का पीएनजी होगा गाइस आपको ऐड फोटो जाके ये वाला ले लेना है, ठीक है। इसको लेने के बाद गाइस आपसे फिर इसका जो थोड़ा कलर एडजस्ट करना है आपको जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको उसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर देना है। कॉन्ट्रास्ट में जाना है, इसका कॉन्ट्रास्ट जो होगा इसको थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड जो गाइस ये सैचुरेशन में जाना है, सैचुरेशन को आपको गाइस यहाँ पे थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको डन करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो कैमरे का पीएनजी आपको उसको ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है। एंड उसके बाद गाइस आपको उसको यहाँ पे ऐसे आपके हैंड की तरफ ऐसे ले जाना है, ठीक है। एंड जैसे ही आपको लगी कि हाँ ये मेरे हैंड के ऊपर अच्छे से आ चुका है, तो उसके बाद आपसे को फिर क्या करना है, आपसे को गाइस जैसे यहाँ पे रखने के बाद आपसे को इसको फोटो को जूम करके चेक करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको इरेजर के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके उसको मूव डाउन कर देना है। एंड इसकी ओपेसिटी यहाँ पे आपको फुल कर देना है। फिर गाइस जितना कर देने के बाद आपसे को फिर क्या करना, आपको गाइस जो हैंड का पीएनजी पहले हम इसको मूव डाउन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद आपसे को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको हार्डनेस को फुल कर देना है। एंड इसकी जो साइज होगा आपके इरेजर का उसको अपने ऑर्डर रख लेना है। एंड गाइस उसके बाद आपसे जो बाकी का एरिया आपको उसको फटाफट इरेज कर लेना है। गाइस आप लोगों को एकदम आराम आराम से करना है, मैंने यहाँ पे गाइस वीडियो को फास्ट कर रखा है इसलिए आप सभी को वीडियो को थोड़ा फास्ट दिख रहा होगा, बट आप सभी को आराम आराम से करना है, ठीक है। एंड अच्छे तरीके से एकदम इरेज करना है। एंड यहाँ पे मैं फटाफट करता हूँ इस चीज़ को। ओके गाइस जैसे आप सब कुछ इरेज कर लोगे तो गाइस आप सभी को इसको मूव डाउन कर देना है, ठीक है। एंड जो हैंड होगा आपको उसको ऊपर की तरफ ले आना है। फिर गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को अभी भी डन नहीं करना आपको, क्योंकि शेडो भी बनानी है यहाँ पे। तो हम ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस ये ब्लैक शीट आप सभी को सिंपली इसको ऐड कर लेना है।
ठीक है, यहाँ पे ऐड करेंगे एंड इसको हम फुल स्क्रीन कर देंगे। एंड इसके बाद आपको फिर क्या करना है, रेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है गाइस, ठीक है। एंड साइज जो होगा इसको गाइस आपको कुछ इतना रख लेना है 10 तक। एंड उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है एंड गाइस आपको पूरे हैंड के ऊपर मतलब ये गाइस यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे पूरे मतलब फिंगर्स वगैरह हर जगह पे आपको ऐसे पेंट कर देना है एंड यहाँ पे गाइस शेडो क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पे गाइस फटाफट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो इतना कर देने के बाद आपसे फिर क्या करना है गाइस, आपको इसको मतलब जो हमारा जो ब्लैक कलर की शीट थी जिसको अभी हमने पेंट किया शेड हुआ, आपको इसको मूव डाउन कर देना है, ठीक है। इसको मूव डाउन कर देना है मतलब कि आपको जैसे ही आपको ये फिंगर के नीचे पहुंच जाएगा आपको सिंपली वहाँ पे जाके एंड ओपेसिटी को जो है आपको अपने हिसाब से मैनेज कर देना है, ठीक है। जितनी आप शेड हो चाहो उतनी रख सकते हो, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपसे फिर करना, देखिए गाइस यहाँ पे हमारी शेड हो जाएगी एकदम अच्छी तरीके से बन चुकी है। तो अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम अब यहाँ से जाएंगे गाइस ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस जो एक बार और लेंगे ब्लैक शीट, ठीक है, क्योंकि हमें पैरों के नीचे भी शेडो बनानी है ना। तो हम इसको कुछ स्टेप से रखेंगे एंड उसके बाद हम इसका बड़ा साइज करके रेजर टूल में जाएंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे एंड ब्रश को लेंगे। ब्रश को लेने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे नीचे की तरफ अपने शूज़ के पास आपको यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे पेंट करते हैं एंड दूसरे वाले शूज़ के पास भी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे डन करना है एंड इसको मूव डाउन कर देना है। एंड गाइस यहाँ पे जो है मेरे को नहीं लगता इसकी ज़्यादा ओपेसिटी कम करने की ज़रूरत है, बट आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतना कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, 70 तक कर लेते हैं, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपसे फिर क्या करना है, आपसे यहाँ पे सिंपली इसको डन कर देना है, ठीक है। डन कर देते हैं हम यहाँ पे एंड डन कर देने के बाद आपसे फिर क्या करना है, इतना कर देने के बाद आपसे को ऐड फोटो में जाके गाइस आपसे को एक PNG लेना गाइस, ठीक है। तो जो आपके कैमरे का जो पकड़ने का होता है ना गाइस, आपको सिंपली इसको PNG लेना है एंड इसको यहाँ पे आपको इसको फिंगर से मैच करा के एंड कुछ स्टेप्स यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देना है एंड यहाँ पे परफेक्ट है गाइस, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपसे फिर यहाँ पे सिंपली इसको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे डन कर देना है। तो इसको हम डन करते हैं। अब गाइस यहाँ पर हमारा पिक्सआर्ट का सारा काम खत्म होता है। तो क्या करेंगे गाइस, जब हम इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड इसको सेव करके लेके चलेंगे हम लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो इसको हम लाइट रूम ऐप में ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले से ऐड कर रखा फोटो को। अब क्या करेंगे, हम जाएंगे लाइट वाला ऑप्शन में एंड इसका कॉन्ट्रास्ट होगा हम इसको बढ़ा देंगे एंड जो हाईलाइट होगी गाइस इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे एंड जो शेडो होगा इसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे एंड जो गाइस व्हाइट ब्लैक होगा गाइस इसको हम थोड़ा कम कर देंगे एंड जो व्हाइट होगा इसको थोड़ा सा इसको भी कम कर देंगे। फिर जाएंगे हम कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद गाइस जो वाइब्रेशन होगा आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो टेम्परेचर होगा उसको थोड़ा सा कम करके आप चाहो तो कर सकते हो। फिर जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करना, सैचुरेशन माइनस कर देना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन चाहो तो माइनस कर सकते हो एंड ह्यू को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैं सैचुरेशन बढ़ा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इतना करने के बाद हम इसका ह्यू थोड़ा कम कर लेते हैं एंड यहाँ पे इतना परफेक्ट है। हम जाएंगे पर्पल कलर में, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे क्योंकि हमें चाहिए नहीं, ठीक है। फिर डन करते हैं एंड जाएंगे हम 3 डॉट वाले ऑप्शन में एंड इसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस वाले ऑप्शन पे शेडो को नीचे, जो सामने ऑप्शन है इसको नीचे कर देंगे एंड इसके बाद गाइस आपको ब्लू कलर को ले जाना है, यहाँ पे ह्यू को ले जाना है ब्लू कलर में, सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। फिर जाना आपको यहाँ पे मिड टोन में, मिड टोन को भी आपको गाइस ब्लू कलर में ले जाना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको सैचुरेशन बढ़ा देना है, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको इस टूल के ऊपर अगर पूरी परफेक्ट वीडियो चाहिए तो आप बता देना मेरे को कमेंट करके, मैं उसके ऊपर वीडियो ला दूंगा, ठीक है। तो आपको सेम इसमें भी शेडो में भी यही करना है, सॉरी हाईलाइट में भी सेम वही चीज़ करना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना डन। फिर गाइस आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी की गाइस आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट होगा वो डाल देना हल्का सा एंड नीचे स्क्रॉल करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है, ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है एंड जाना नीचे वाले टूल में, ठीक है, जो आपको नीचे वाला टूल दिख रहा है। एंड उसके बाद जो आपकी फोटो की शार्पनेस होगी गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस नॉइज रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कलर नॉइज रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। सो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आया गाइस आप सभी के सामने है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर दिखा रहा हूँ मैं गाइस आपको। सो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।